जय मिथिला बाबूजी, आज जो हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का वित्तीय विवरण, जो आपको 8 नंबर चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, ये इसका आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी रहता है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि बोलिएगा 5 नंबरी, तो 5 नंबरी में ज्यादा नहीं पूछते रहता, ये सही बात है। लेकिन बोलिएगा 2 नंबरी में नहीं पूछते रहता, ऐसा बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी घुसा देते रहता है इस सबको, समझे? तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। कंपनी जो आपको पहले आप जो बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं उससे चेंजेस हो जाता है, और कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट जो है आपको कुछ अलग तरीके से बनता है, ठीक, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, सिर्फ एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, पूरा चैप्टर खत्म, कि कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या, नया जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है कंपनी का, शेड्यूल 3 के हिसाब से जो आपको कंपनी का नया बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट पहले कैसे बनाते थे, ऐसे 2 पार्ट देते थे, एक साइड में एसेट्स, एक साइड में लाइबिलिटी, बस बात खत्म, एक साइड में एसेट्स बाबू, एक साइड में लाइबिलिटी, बात खत्म। लेकिन ऐसे नहीं, नया हम कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। आपको ये समझा रहना चाहिए, ये पढ़ा रहना चाहिए, बाकी कुछ इसमें कुछ और दिक्कतें नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी 2 नंबर भी यहीं से बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं, पहला नंबर देखिए, इसमें तो आप क्वेश्चन के साथ से आंसर भी दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जो को बताएंगे आपको, जैसे कि आप बोल के 7 नंबर 8 नंबर समय आपको नहीं दिया आंसर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी जो आपको ये आपको बैलेंस शीट जो कंपनी का है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी 2013 के हिसाब से जो अभी दिखा है उसके हिसाब से बोल रहा है कि इसमें आपको क्या रटा रहा है कि बैलेंस शीट पहले कैसे बनाते ना सीखे, इस तरीके से बैलेंस शीट होता है, एसेट्स लायबिलिटी, हाँ, तो वो अलग तरीके से बोल रहा है करने के लिए। क्या बोल रहा है कि आपको अलग तरीके से, और आपको याद है कि नहीं उसके लिए आपको क्या कर दिया, ये दिया भाई, जिसमें आपको क्या होता है हेड और सब हेड करके दिया बाबू, कि देखिए इसको हेड बोला जाएगा, मतलब क्या मुख्य मुखिया नहीं जिसको बोलते हैं, वार्ड मेंबर उसका नीचे हो जाता है, तो सब हेड इसको बोला जाएगा, जैसे कि मतलब नहीं होता कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, हाँ, तो इसे ये हो गया कि बड़ा, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोला जाएगा सब हेड। फिर उसी तरीके से बाबू देखिए आपको इसको बोला जाएगा हेड, इसके अंदर जो जो आइटम है उसको बोलेगा सब हेड, समझे, इसको बोला जाएगा हेड, इसके अंदर जो जो भी आइटम है उसको सब हेड बोला जाएगा, ठीक। इसमें बोलता है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ जाएगा, कौन सा हेड में जाएगा, कौन सा सब हेड में जाएगा, भाई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर मान लीजिए आप वो बैलेंस शीट बोलता बनाने के लिए नॉर्मल वाला, तो कहाँ पर चले जाता है, इनकम रिसीव्ड इन बैलेंस एडवांस में आपको इनकम प्राप्त हुआ, मतलब क्या हमारा लाइबिलिटी बढ़ा, तो लाइबिलिटी साइड में आराम से लिख देते बात खत्म यहाँ से। लेकिन बोल रहा नहीं 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 ऐसे नहीं लिखना है, आपको नया में कैसे लिखना है, नया में पहले हम क्या देखेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या आपको करेंट लाइबिलिटी के पास चले जाएंगे, करेंट लाइबिलिटी के पास चले जाएंगे, ठीक है ना बाबू, ये सब हेड क्या हो गया, सॉरी हेड क्या हो गया, करेंट लाइबिलिटी, उसके अंदर जाएंगे और उसका क्या लिखेंगे, अदर करेंट लाइबिलिटी लिख देंगे, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, ट्रेड पेबल नहीं है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो जाएगा, तो हमारे लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी है, और आपको सब हेड नहीं पता चल रहा है तो कुछ और रहेगा अदर में, अदर करेंट लाइबिलिटी मार देंगे, ठीक। इसके अलावा आपको बोले ये याद करना ही पड़ेगा बाबू, ये याद करना ही पड़ेगा, आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक। करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, ट्रेड पेबल रहता है, उसका जो अदर चीज रहता है प्रोविजन को हटा के उसको लिखे देंगे करेंट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक। उसी हिसाब से कैपिटल एडवांस, अगर कैपिटल आपको पहले मिल गया, मतलब पैसा मिल गया पहले बिजनेस में लगा दे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। लेकिन कैपिटल सब कैसा रहता है बाबू, देखिए आप लोन भी लीजिएगा ना बाबू, चलिए लोन लिए कंपनी के लिए वो एक तरह का लाइबिलिटी हो गया, कर्जा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपका पैसा भी आता है, एसेट भी बढ़ता है, ये भी याद रखिएगा। तो कैपिटल में जो सॉरी बिजनेस में जो पैसा लगाता है मालिक उसको कैपिटल बोला जाता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है एकदम एसेट्स का काम करता है, संपत्ति का काम करते रहता है। लेकिन करंट नहीं, करंट मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर जिसका यूज कर लेंगे उसको करंट बोला जाएगा, और एक साल से अधिक लेके जाएंगे तो उसको नॉन करंट बोला जाता है बाबू। तो ये हमारा नॉन करंट एसेट्स है, जो पैसा बिजनेस में लगाएगा एडवांस में आ गया कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस में दिखाएंगे, कि लॉन्ग टर्म एडवांस हमको एडवांस में दिया हुआ है सब हेड में ये, ठीक। फिर 2 नंबर में देखिए बाबू, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल का वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या हो गया, कि जैसे कि बिल्डिंग वल्डिंग बनते रहता है ना, तो उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक ना। बिजनेस के लिए अपने घर के लिए नहीं, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, बन रहा है बिल्डिंग, अब बन रहा है, आधा बन के तो आपके लिए सेट है ना बाबू, तो नॉन करेंट एसेट्स है, ठीक ना, उसको सेपरेट हेडिंग में बना के दे देंगे आपको, कि कैपिटल
वर्क इन प्रोग्रेस बोलेगा, क्यों अलग हेडिंग बना के देंगे, क्योंकि देखिए नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर देखिए कहीं पे भी कैपिटल सेपरेट हेडिंग नहीं देखेंगे आप बाबू, कहाँ गया नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, देखिए देंगे क्या आपको हेडिंग में, क्या दे देंगे बाबू आपको हेडिंग में, आपको नॉन करेंट एसेट्स दे देंगे हेडिंग में, सब हेडिंग का बात करें सब हेडिंग में आपको ये दे, या तो आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स दे देंगे, उसकी जगह आप क्या दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है सब हेडिंग में ये देने के लिए, अलग से सब हेडिंग बना देंगे इसका, आई सिर्फ यही लिख देंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये नहीं लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, अदर से देखो सेपरेट हेडिंग बना देंगे, ठीक। उसी तरीके से बाबू देखिए आपको प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट फंड है आगे, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट फंड जो फंड सब जैसे आएगा लाइबिलिटी होगा बाबू, और आपके ये नॉन करेंट लाइबिलिटी होगा, ठीक ना, फंड वगैरह सब एक साल के लिए नहीं बनता, एक साल का अलग, एक साल से ज़्यादा के लिए, ये सब हेड में क्या देंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब कुछ आपको याद नहीं, जब बैलेंस शीट ये पढ़ लेंगे बना लेंगे ना आपको, सिर्फ वो याद करना है, वो समझना है बस बात, उससे आगे आपको कुछ याद ही नहीं करना है, ये सब वैसे ही दे दिया क्या करेंगे, करना पड़ेगा कम का, ये आंसर भी इसी में दिया, हम कहे लोग उधर जाएंगे, देखिए आंसर भी इसी में दिया है, कैपिटल रिजर्व कहाँ में जाएगा, इसका शेयर होल्डर फंड में जाएगा, देखिए कैपिटल रिजर्व, रिजर्व देखिए आपको कहाँ जाता है, इसे बार बार दिखाना पड़ रहा है आपको, याद रहेगा ना, आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है, ये कैपिटल फंड कहाँ जाता है, सब हेड क्या है आपको, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जाते रहता है कैपिटल फंड, आपको देखिए शेयर होल्डर फंड में क्या ना, शेयर होल्डर फंड में कैपिटल एंड रिजर्व कहाँ, रिजर्व कैपिटल सब जाएगा, शेयर होल्डर फंड हो गया इसका हेड, और सब हेड में क्या देंगे आपको, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, कॉल्स इन एडवांस बाबू, देखिए कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या हो गया बाबू, कि आपकी आपके बिजनेस में कोई पैसा एडवांस में दे दिया, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी होता है, क्योंकि एक साल के अंदर में उसको पैसा लौटाना उठाना पड़ता है, इसलिए कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। वैसे कॉल्स इन एडवांस कहाँ से आया है आपको, शेयर बोलिए, इशू ऑफ शेयर से आया हुआ है, अदर करेंट लाइबिलिटी में चले जाएगा, लूज टू में छोटे छोटे औजार जो रहता है ना आपको कम टाइम के लिए रहता है आपको, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, इन्वेंट्री में चले जाएगा। करेंट लाइबिलिटी देखिए आपको बैंक ओवरड्राफ्ट बाबू क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है आपको, कि बैंक में जाइएगा आप पैसा वैसा नहीं रहते रहता या फिर मान लीजिए, तो वो क्या हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है बाबू, क्या हो जाता है बाबू, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक, पैसा से ज़्यादा निकाल लेंगे तो उसको बोले बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे बिजनेस से, तो हमारा करेंट लाइबिलिटी देखिए आप सेविंग अकाउंट पर आपका जो अकाउंट होगा उसमें आप बोलेगा फोन पे से कहाँ पैसा ज़्यादा निकलता नहीं निकलेगा बाबू, लेकिन आपका करेंट अकाउंट होगा ना, बिजनेस अकाउंट जिसको बोला जाता है, तो उसमें आप देखिए आपके पास जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं हो गया, क्रेडिट कार्ड में पैसा भी नहीं, आप जाइए स्वैप करिए, 20,000 का है 50,000 का है, उसमें लिमिट रहता है तो आप उतना तक खरीद सकते सामान, उसी तरीके से होता है आपको इसमें, ठीक ना, करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट सबका नहीं खुलता है, पहले बात तो GST मांगते रहते हैं बार बार, ये GST दो GST दो, उसका पैसा उसमें मेंटेन करना पड़ता है, 5,000 या 10,000 कम से कम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना, तो हमारा ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि हम एक साल के अंदर में देंगे उसको, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया बिजनेस में। फिर देखिए उसी तरीके से बोल रहा है हेडिंग है, सब हेडिंग देने के लिए बाबू, पहला क्या शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या सब हेडिंग आ रहा है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है, करेंगे देख लेंगे आपको, देखिए शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन सा सब हेड आ रहा है, तो तीन को लिख देंगे सब हेड, शेयर कैपिटल आ रहा है जो भी आएगा उसे लिख देंगे। उसी क्वेश्चन में बाबू आपको दिया है क्या, उसी क्वेश्चन में कि आप सब हेड बताइए लेकिन नॉन करेंट लाइबिलिटी का, सब हेड बनाए बताइए लेकिन नॉन करेंट लाइबिलिटी का, चलिए कोई नहीं, नॉन करेंट लाइबिलिटी में देखिए क्या क्या आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में चार को चीज आता है, चार को चीज लिख देंगे सब हेड में, कुछ नहीं है बाबू, बोले तो याद करिएगा बस, ओके देख देख के बना लेंगे, बनाने का नहीं है मतलब याद करना ही, आपको याद तो रहना चाहिए रटाना ना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा नंबर भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, सॉरी नॉन करेंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है वो दिखाने के लिए बोल रहा है, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, इतना चीज आता है, इतना चीज लिखेंगे बात खत्म, मतलब हाँ ही नहीं कुछ इसमें बताने वाला, क्या ही बताए, क्वेश्चन भी खुद दे दिया है, आंसर भी खुद दे दिया है, ठीक ना, यही हो जाता है दो नंबर तक में। तीन नंबर में थोड़ा बताने वाली बात है क्या बाबू, तीन नंबर में थोड़ा बताने वाली बात है क्या है, अंडर वाट हेड्स, हेड लिखना है,
विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में देखिए पहले दे दिया है किसमें, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट मतलब क्या, बैलेंस शीट जो नया है उसमें आपको जो है ना कौन किस कहाँ पे दिखाएंगे इसको, हेड के बारे में लिखना है, सब हेड के बारे में ठीक ना, मुखिया के बारे में लिखना है, इसे समझिए मेन चीज में। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड होता क्या बाबू, ये है पहले बात ये समझ लीजिए। प्रपोज्ड डिविडेंड होता क्या है कि देखिए आप एक साल के अंदर आप जो कोई पैसा लगाया है आपके बिजनेस में शेयर में हाँ आपका खरीदा हुआ है तो वो जो आप जितना परसेंटेज देते हैं ना, जितना डिविडेंड देते हैं ना पैसा जो, अच्छा इस साल हम क्या करेंगे जो 5 करोड़ रुपया दे देंगे सब सब शेयर होल्डर को, तो वही हो जाता है प्रपोज डिविडेंड। जितना आप प्रपोज कर रहे हैं, जितना आप दे रहे हैं वही डिविडेंड, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। याद रखिएगा शेयर होल्डर को दिया जाता है, वो हमारा हेड आ जाएगा करंट लाइबिलिटी में। बिजनेस के लिए क्या लाइबिलिटी है क्योंकि देना है शेयर होल्डर को, और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है बाबू, अनक्लेम्ड डिविडेंड का अर्थ क्या होता है बाबू कि कंपनी हो गया, कंपनी क्या करता है आपको शेयर होल्डर के लिए दे देता है कि अच्छा 5 करोड़ रुपया देना है, इशू कर देता है शेयर होल्डर के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है शेयर होल्डर नहीं लेता है पैसा, या शेयर होल्डर क्लेम नहीं करता है तो उस पैसा को बोलेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड। पहले क्या होता था ऑफलाइन होता था, पहले पैसे जहाँ शेयर खरीदना है ना तो जाइए, आपको मुंबई जाइए या पटना में भी है आपको मुसलमानपुर हाटी में शायद शेयर मार्केट है तो वहाँ पे जाके आप ऐसे कागज टाइप का दे देगा, अब कोई मुकेश अंबानी का शेयर लेना है या जिसका शेयर लेना है वो शेयर खरीद लो। अब फिर जब टाइम पीरियड खत्म होता था क्या कर देते थे हम, वहाँ पे जाना पड़ता था, उसके बाद हम क्लेम करते थे मेरा पैसा दो तब वो देता था, तो वही आती रहता मतलब कभी कभी ऐसा था कि क्लेम करने में 1 दिन 2 दिन टाइम लग जाता है, तो उस पैसा को बिजनेस क्या बोलेगा अनक्लेम डिविडेंड। ठीक, तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी हो जाता है क्योंकि देखिए 2-3 दिन में क्या होता है पैसा वो ले ही लेगा, अदर करंट लाइबिलिटी में चले जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है बाबू, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है बाबू कि कभी कभी पब्लिक आप और हम जैसे लोग क्या करते हैं बैंक में जमा पैसा नहीं करवाते, उसके जगह क्या कर देते कंपनी को पैसा देते रहता है हाँ, क्योंकि कंपनी ब्याज दर ज्यादा देते रहता है, उस पैसा को बोलेंगे कंपनी बोलेगा उस पैसा को पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक क्या डिपॉजिट। ठीक, तो कंपनी के लिए वो नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है क्योंकि आप एक महीना के लिए नहीं कोई पैसा जमा करवाएगा, 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल ऐसे जमा करता है कोई, ठीक ना, तो ये डिपॉजिट के अंदर आ जाएगा सभी में। डिबेंचर नाम से ही पता चलता होगा बाबू, डिबेंचर क्या होता है लोन होता है बिजनेस के लिए, ठीक ना बाबू, कि बिजनेस लोन लेता है इसमें पैसा देता है जनता, डिबेंचर के थ्रू क्या करता है बिजनेस पैसा लेता है, बिजनेस मतलब कंपनी पैसा लेता है जनता लोग से, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी है क्योंकि 1 साल से ज्यादा के लिए लेता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है बाबू। ठीक, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या हो गया बाबू, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट देखिए आपको क्या है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट देखिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या हो गया कि आप मान लीजिए कि शेयर में आपको क्या हो गया कि हम 10,000 शेयर इशू किए हुए थे जिसमें आप 5 रुपये दर से पैसा दे दिए थे, 5 रुपये दर से नहीं दिए थे, मतलब कितना 50,000 रुपया दे दिए थे लेकिन 50,000 रुपया नहीं दिए तो हम जब्त कर लेंगे, तो ये जो 50,000 रुपया तुम दिए हो वो हम रिटर्न भी नहीं करेंगे, हम कंपनी जो जब्त कर लेता है उसी पैसा को बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जिसे अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, वो कंपनी के लिए एक तरह का हो गया कमाई ही हो गया हाँ, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाएगा, ये शेयर कैपिटल मतलब बढ़ा देना हुआ। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड देखिए आपको बाबू, प्रोविजन फंड जैसे ये लाइबिलिटी होता है नॉन करेंट होता है, 1 साल के लिए नहीं होता है, 1.5 साल 2 साल 5 साल के लिए होता है फंड, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अंदर आ जाएगा। उसी हिसाब से 4 नंबर देखिए बाबू, 4 नंबर सेम क्वेश्चन क्या है आपको समझने वाली बात है कि लूज टूल, लूज टूल मतलब बदलने औजार सब हो गया बाबू, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई सा आपका बिजनेस चल रहा है उसमें जो रिंच उंच थोड़ा सा बहुत ले आते हैं उसको लूज टूल टूल बोला जाता है, तो हमारा करंट एसेट्स होता है इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बाबू क्या होता है, करंट एसेट बिल्स रिसीवेबल 1 साल के अंदर या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन के लिए मिलता है बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि आप 5 तारीख को जाइए पैसा ले लीजिएगा, इस टाइप का रहता है बिल्स रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर, हमारे शेयर या डिवेंचर जो इशू करता है उस टाइम जो डिस्काउंट देता है तो कंपनी उसको कहाँ रखेगा, पहले बात क्या है कि कंपनी अगर शेयर या डिवेंचर पर डिस्काउंट बेच रहा है तो वो कंपनी का लॉस है, तो कंपनी का लॉस है। अगर मान लीजिए वही कंपनी अगर शेयर प्रीमियम पे बेचा होगा पहले हाँ, तो उस पैसा से इस लॉस को कवर अप कर लेगा, भाई लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं किसी कवर अप करेगा ना, अगर कंपनी के पास प्रीमियम है ठीक है कि 5 रुपया वाला चीज को 10 रुपया में बेच के प्रीमियम कमाया है तो आप 10 रुपया नहीं मानिए और इसमें से क्या करिए जितना लॉस लग रहा है उतना घटा दीजिए। दूसरा रीजन है कि पहला तो काम घटा दीजिए, दूसरा क्या है आपको बाबू कि रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दीजिए निगेटिव करके, इतना पैसा हमारा रिजर्व और सरप्लस से चले गया है
ठीक, सब हेड में नहीं आएगा क्योंकि वो दिखाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है या आपको कहीं दिखाना नहीं पड़ता है। याद आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मान लीजिए 5 लाख रुपया है और डिस्काउंट करने पर 10,000 रुपया घाटा लगा, तो हम 5 लाख की जगह कितना दिखाएंगे, दिखाएंगे सिर्फ 4,90,000 रुपया, दिखा दीजिए 4,90,000 रुपया का प्रीमियम मिला। पहला तो ये है, नहीं तो आप क्या कर दीजिए सिक्योरिटी या प्रीमियम रिजर्व में निगेटिव में दिखा दीजिए। ये होता है पेटेंट बाबू। क्या होता है पेटेंट, मतलब क्या होता है, कोई आइडिया आया आपका आइडिया कोई चुराए नहीं, उसके लिए आप क्या कर देते पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक ना। सस्ता शार्क टैंक देखे होंगे आपको, शार्क इसमें आशीष चंचलानी का, उसमें क्या थप्पड़ को पेटेंट करवा लेते हैं, मतलब क्या कोई थप्पड़ मारेगा ना तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा, उसी टाइप से रहता है। तो आपको जैसे थप्पड़ बोलता है तो मार देता है, बोलता कोई थप्पड़ यूज नहीं कर सकता है क्योंकि हम खरीद लिए हैं थप्पड़ को, मतलब पेटेंट करवा लेना। कोई आइडिया हुआ या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बना, यार यार बहुत बढ़िया है मोबाइल, तो कोई बना ही नहीं सकता है, हम उसको पेटेंट कर लिए। क्या अगर कोई बनाएगा तो ठीक है कोई दिक्कत, लेकिन परमिशन हमसे लेना पड़ेगा, तो उसी को बोलता है पेटेंट करना। नॉन करेंट एसेट्स होता है, पेटेंट 1 महीना के लिए नहीं कराते, जब तक बिजनेस चलता तब तक। इंटेंजिबल एसेट्स हैं, दिखते नहीं रहता लेकिन एसेट्स हैं, जैसे गुडविल रहता वैसे ही। जनरल रिजर्व हो गया बाबू, जनरल रिजर्व ठीक ना, नाम से बता सकता है रिजर्व, तो हमारा से रिजर्व प्लस में जाएगा, शेयर होल्डर फंड में जाएगा। डिबेंचर अभी ऊपर में ही समझाए क्या क्या नॉन करेंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ऊपर में ही समझाए यहाँ तक बाबू। उसी तरीके से आपको 4A में भी उसी तरीके से आंसर दिया है, और कोई दिक्कत नहीं होगा, 5 तक 6 तक तो मतलब आंसर दिया ही है, देखिए आपको दिक्कत नहीं होने, बनाइए समझिए बस बात खत्म। 7, 8, 9 में आपको थोड़ा बहुत समझाने वाला है। 7 में क्या बाबू कि रिजर्व एंड सरप्लस बोल रहा है दिखाने के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में भी बाबू क्या, कैपिटल रिजर्व 8,50,000 रुपये से पहले से दिया हुआ है, और इस साल कमाए हैं, सॉरी पहले से दिख रहा था सरप्लस कितना 4 लाख रुपया दिख रहा था, और कंपनी कमाए हैं इस साल 6,50,000 रुपया। याद रखिएगा, फिर समझवा, एक तो रिजर्व कहाँ से आता है, प्रॉफिट जो कमाते हैं उसी में से बनाते हैं रिजर्व बाबू, है तो 8,50,000 का तो पहले से है, 4 लाख रुपया तो प्रॉफिट है, इस साल प्रॉफिट का मान लीजिए 6,50,000, टोटल प्रॉफिट का बात करें 6,50,000, 4 लाख, 10,50,000 का तो प्रॉफिट ही कमा लिया, अब पहले से प्रॉफिट था जिसको हम रिजर्व बना दिए हैं 8,50,000 का, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में कितना चले जाएगा बाबू 19 लाख रुपया। भैया क्यों, क्योंकि 8 लाख रुपया का तो 8,50,000 का तो पहले से कैपिटल एंड रिजर्व में है, ऊपर से आपको 4 लाख रुपया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था पहले से था प्रॉफिट में, और इस साल कमा लिए 6,50,000, मतलब 10 लाख इधर, 8 लाख पहले से था। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट का ही भाग होता है बाबू, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा बाबू आपको 10-19 लाख रुपया, जिसमें रिजर्व हो गया 8,50,000 और सरप्लस कितना हो गया 10,50,000, तो इक्विटी लाइबिलिटी साइड में जाएगा, शेयर होल्डर फंड हेड हो जाएगा, और सब में दे देंगे रिजर्व एंड सरप्लस 19 लाख रुपये। नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। 8 में देखिए बाबू क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको बोल रहा है क्या, कहाँ लाइबिलिटी और बैलेंस शीट बनाइए, और बैलेंस शीट बनाइए नहीं मतलब बताइए कि कौन सा आइटम लाइबिलिटी साइड में जाएगा, कौन सा आइटम एसेट साइड में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बैलेंस शीट बना के बता देते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल इतना है, 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये दर से, मतलब कॉल्ड अप भी हो गया पेड अप भी, मतलब क्या पूरा पैसा मिल भी गया, 10,000 × 10 = 1,00,000 रुपया हमको मिला, अच्छा दिया ही तो 1,00,000 रुपया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000 रुपया है ऊपरी कमाए, 12% डिबेंचर है, लाइबिलिटी 50,000 रुपया दिया है, पब्लिक डिपोजिट दिया है 10,000 रुपया, क्रेडिटर दिया 5,000 रुपया, चलिए कोई दिक्कत है हम दिखाते हैं आपको। 1,00,000 रुपया शेयर कैपिटल में दिया ही है, रिजर्व एंड सरप्लस में 10,000 रुपया आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में देखिए आपको कितना 10,000 रुपया, 10,000 रुपया इधर आ जाएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी में देखिए कोई है भी, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिए हैं डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है लॉन्ग टर्म, तो हमारे नॉन करेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा 50,000 रुपये। पब्लिक डिपॉजिट 1 साल के लिए कोई आदमी नहीं बैंक में या फिर अथी में बिजनेस में लगाता है, 5-6 साल के लिए लगाता है, पब्लिक डिपॉजिट भी नॉन करेंट लाइबिलिटी हो जाएगी 10,000 रुपये। करेंट लाइबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल मतलब क्या, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना में आपको पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रेड पेएबल, 5,000 इधर आ जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो इधर 1,75,000 रुपये आ जाएगा, ठीक बाबू। 9 का ये एगो समझाने वाली बात है क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत जो है ना आपको समझने वाली बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल बैलेंस ये दिया हुआ है आपको, बोलते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए, चले कोई दिक्कत नहीं। लैंड एंड व्हीकल क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हमारा एसेट्स हो गया, ठीक। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया हमारा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, पर इन्वेस्टमेंट किए हुए थे 50,000 रुपये का पैसा लगाए हुए थे गवर्नमेंट बॉन्ड में, ठीक ना, उसमें से 10% हमको क्या लगा मिला, ब्याज मिला, मतलब क्या 5,000 रुपये हमारे ऊपरी कमाए हैं। स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीव, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, देखिए बैलेंस शीट में कोई खर्च हानि नहीं जाएगा, ये बता रखिएगा,
बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खर्च आनी है। फिक्स्ड एसेट्स में कितना जाएगा, 7 लाख रुपया। बोलेगा कैसे, तो लैंड और बिल्डिंग क्वेश्चन के साथ 5 लाख रुपया का लैंड है, 2 लाख रुपया का व्हीकल, मतलब 7 लाख रुपया में क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। करंट एसेट्स देखिए बाबू, करंट एसेट्स में क्या हो जाएगा आपको, करंट एसेट्स में देखिए आपको क्या है, अच्छा इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या, इन्वेंट्री आपको हो गया 75,000 का जो हो गया, हाँ उसके बाद आपको हो गया करंट एसेट्स की बात करें तो ठीक, मिलने वाला सन्डरी डेटर से हमको मिलने वाला क्या है, जो आपको 3 लाख रुपया इधर से मिलेगा, 40,000 रुपया आपको बिल्स रिसीवेबल से मिलेगा, मतलब क्या हो गया आपको ट्रेड रिसीवेबल, दोनों का नाम एक साथ लिख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल, मतलब क्या हमको पैसा मिलेगा, सन्डरी डेटर भी वो पैसा दे ही देगा, बिल्स रिसीवेबल एक तरह का पैसा ही है, डेटर भी एसेट ही है, अब बिल्स रिसीवेबल भी क्या होगा हमारा एसेट ही है, तो 3,40,000 रुपया हमको मिलेगा, तो 3,40,000 रुपया ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री 75,000 का हो गया, अदर करंट एसेट्स में 5,000 रुपया आ जाएगा। करंट एसेट्स मतलब क्या, हमको पैसा मिलेगा, 5,000 रुपये मिला ना, मैं पैसा लगाया तो उसमें मिला, तो करंट एसेट्स कितना हो गया, 5,000 रुपये ठीक। टोटल जोड़ेंगे करंट एसेट्स इधर पूरा जोड़ेंगे तो 11,70,000 रुपया हो जाएगा। देखिए आपको इसमें देखिए बाबू, नॉन करेंट में देख लीजिए बाबू, नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या चले जाएगा आपको बाबू, नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या चाहिए, 50,000 रुपये इधर चले जाएगा, नॉन करेंट, अच्छा ये लाइबिलिटी साइड नहीं बोला बनाने के, सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड का, वही तो बोला हम लाइबिलिटी साइड का नहीं बनाए, एसेट साइड का सिर्फ बोल रहे थे, एसेट साइड का दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड का। हाँ इसमें समझा देते, नॉन करेंट लाइबिलिटी होगा गवर्नमेंट बॉन्ड लगाए थे वो, हाँ इन्वेंट्री हो तो समझ ही गए, ट्रेड रिसीवेबल सन्डरी डेटर 3,40,000 का बिल्स रिसीवेबल ये होगा, 3,40,000 चार नंबर में ये आ गया, हाँ उसका 5 नंबर में दिखा, अदर करेंट एसेट्स में क्या, इक्विटी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हो गया। एसेट के बारे में बोल रहे थे, एसेट के बारे में बात करेंगे, कुछ चीज़ के बारे में बात करेंगे ठीक है, इतना बनाइए, उससे ज़्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बना सकते क्योंकि आसान है, कोई दिक्कत हमसे साथ में दिया हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए, यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा, थैंक यू सो मच।